नमस्कार दोस्तों, जब एक आत्मा को पूछे गए सवाल, इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज का जो आत्मा के साथ संपर्क किया गया था, उस आत्मा को सबसे पहले ये सवाल पूछा गया कि आपका पृथ्वी पर नाम क्या था। उन्होंने कहा है उनका पृथ्वी पर नाम गुरुदास था। आपकी मृत्यु कब हुई, तो उन्होंने कहा है कि 1899, मतलब आप सोचिए कितनी पुरानी है ये, 1899 को उनकी मृत्यु हुई थी। अपनी मृत्यु के पहले आप कहाँ पे रहते थे, तब उन्होंने कहा है कि वो जहाँ पे रहते थे उस एरिया को, उस भाग को फिलहाल श्रीलंका कहा जाता है। आप उस समय क्या कार्य करते थे। मैं एक वैद्य का सहायक था और एक योग शिक्षक भी था। मन में उनको ये पूछा गया दोस्तों कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, तब उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं अपना शरीर छोड़ दिया। आपकी आत्मा का स्तर कौन सा है, उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा का स्तर छठा स्तर है, मतलब छठे लोक की वो बहुत बड़ी आत्मा होगी। आपकी मृत्यु क्यों हुई, क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था, तो इसका जवाब उन्होंने दिया है कि उनकी जो मृत्यु थी वो 102 साल की उम्र में हुई। दोस्तों कितना अच्छा बड़ा आयुष्य उनको मिला था, समय पहले से तय था, ऐसे वो कहते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था। मेरे जीवन का उद्देश्य था दूसरों की मदद करना। क्या आपने अपने जीवन उद्देश्य को पूरा किया, इसका जवाब उन्होंने कहा है हाँ। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं, तब उन्होंने कहा है कि 74 बार वो पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। आपने अभी तक कितने जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है, उन्होंने कहा है अब तक उन्होंने 17 जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है। देखिए दोस्तों, इतने कम जन्मों में, 74 जन्मों में इतने जीवन उद्देश्यों को पूरा करना, और एक बहुत ही बड़ी आत्मा थी। जब आपकी मृत्यु हुई या फिर आपने जब शरीर छोड़ा, तब आपके कोई लेने के लिए आया था क्या, तब उन्होंने कहा है कि उनको लेने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया था, वो खुद ही वहाँ से चले गए थे। उन्होंने ये कहा है कि जब वो जीवित थे, मतलब पृथ्वी पर, तो उनकी आत्मा को बुलाया गया उनके मार्गदर्शक के द्वारा, और वो तुरंत वहाँ से चले गए। मतलब मैंने ये, मुझे लगता है डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की किताब में पढ़ा है कि जो उच्च स्तर की आत्माएं होती है, उनको कभी कभी कुछ लोग, मतलब उनको सारे लेने के लिए नहीं आती आत्माएं, वो खुद ही अपने आप चली जाती है। उनको पता होता है रास्ता, या फिर मतलब कहाँ से किस तरीके से जाना है, क्योंकि वो मतलब इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से पार किया होता है। तो बहुत बार ऐसी जो उच्च आत्माएं होती है, उनको लेने के लिए कोई नहीं आता, और बहुत बड़ी पवित्र जैसे, मतलब स्थित प्रज्ञ इंसान या फिर संत जैसे इंसान जो होती है, ये ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। क्या आपका कोई मार्गदर्शक या फिर गुरु है, तो उन्होंने कहा है हाँ। क्या उन्होंने आपके साथ आपके जीवन की समीक्षा की, तो उन्होंने कहा कि हाँ। आपके जीवन की कोई कुछ गलतियाँ थी क्या, तब उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई गलतियाँ नहीं की। आपको अपने जीवन में किसी चीज़ पर खेद है क्या, इसका जवाब उन्होंने दिया है कि नहीं, उनको किसी भी चीज़ पर खेद नहीं है। क्या आप अपनी साथी आत्माओं के साथ रहते हैं, तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने समुदाय में मेरी साथी आत्माओं के साथ ही रहता हूँ। क्या आप कहीं पर भी जा सकते हो आत्मलोक में, तब उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं अपने स्तर पर, मतलब अपने लोक पे और अपने नीचे के लोक जा सकता हूँ। आपके पास कैसा माहौल है, क्या आपको कुछ संगीत सुनाई देता है, ऐसा जब उनको सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया है कि यहाँ तो सब कुछ उत्तम है, हम लोग एक बहुत ही सुंदर जगह पर रहते हैं, वहाँ पर हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, जिससे उस ऊर्जा से हमें बल मिलता है, हमें मधुर संगीत भी सुनाई देता है। तुम पृथ्वी पर जो जानते हो, उसकी तुलना इस संगीत से नहीं की जा सकती। तो ये जो उन्होंने वहाँ का वर्णन किया है कि वहाँ पर कैसा वातावरण होता है, ये हमें बहुत कुछ कहता है कि आत्मलोक किस तरीके से होगा, और वो भी जो पवित्र आत्माएं हैं, जो उच्च लोक की, उनका कितना सुंदर वहाँ का वातावरण होगा। आपका अगला जन्म कब होगा, इसका जवाब उन्होंने दिया है, मेरा अभी जन्म नहीं होगा, मैं यही अपनी प्रगति करूँगा। मेरे मार्गदर्शक ने मुझे कहा है कि अभी तुम फिलहाल अगला जन्म नहीं लोगे तो भी चलेगा। बाद में उनको ये पूछा गया कि अगर आप जन्म नहीं लेंगे, तो आप नए पाठ कैसे पूरे कर पाएंगे, मतलब आप ज़िंदगी में जो भी सीखना है वो किस तरीके से आप पूरा करेंगे। इसका जवाब उन्होंने दिया है कि मैं यही पूरा कर लूँगा, मतलब आत्मलोक में ही। प्रेम और सद्भावना तो सबके लिए होती है, बिना प्रेम और सद्भावना के लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। मतलब उन्होंने कहा है कि वो जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर प्यार और सद्भावना हर एक इंसान के मन में होती है, वो पृथ्वी के जैसे नहीं होती देखावे वाली, मतलब प्यार, या फिर होता है ना कि किसी के लिए प्यार तो किसी के लिए घृणा, इस तरीके का वहाँ पर वातावरण नहीं होता। वहाँ पर सबके मन में सबके लिए प्यार ही होता है, इतने सुंदर वो मतलब लोक में रहते हैं। आप दुनिया को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे बड़ा, मतलब हम सबको यही कहा है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करना और सबको एक समान ही मानने की कोशिश करना। तो उन्होंने जो हमें ये सारी बात कही है दोस्तों, गुरुदास जी ने, मुझे लगता है कि ये जो सारी बातें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी आत्मा है दोस्तों। अब तक जितने हमने केसेस देखे, इसमें ये सबसे बड़ी मुझे लगती है, क्योंकि इन्होंने मतलब इतनी सुंदर जगह पर वो रहते हैं, और इतने कम जन्मों में उन्होंने बहुत सारे जीवन उद्देश्य को पूरा किया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में जीने की
कोशिश करते हैं तो हमारा स्तर भी इतना बढ़ सकता है और हमारा मतलब वहाँ पर का जो घर है दोस्तों वो इतना सुंदर हो सकता है। बस इंसान के जो कर्म है वही उसको दोस्तों उसकी प्रगति भी कर सकते हैं और उसकी अधोगति भी, तो ये हमारे हाथ में है दोस्तों। हम अगर बहुत ही अच्छे कर्म करेंगे तो उतना ही ऊपर हम उठ सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।